for the reaction x, this gives this much, delta u is this, delta h is this, at this much temperature delta g kya ho jayega. Okay, delta g is equal to delta u ko delta u, हमारे इस इक्वेशन में क्या था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बट डेल्टा यू का क्या करना है अभी, डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, उससे ही निकालेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी गया, और हमें इक्वेशन भी दिया है. डेल्टा यू कितना दिया है आपको, 2.1 किलो कैलरी, किलो कैलरी में ही रखते हैं हम लोग. ओके, और हमें डेल्टा एन जी में दो दिख रहे हैं यहाँ पे, तो टू, तो जगह 2.1 किलो कैलरी में देखते हैं, किलो कैलरी रखते हैं ऐसा, वन इंटू एन जी आर टी, आर कितना है आपका, टी हो जाएगा आपका 300 केल्विन, टी वुड बी, टी आपको मिल जाएगा कितना, टेम्परेचर मिल गया आर, आर क्या आ जाएगा, कैलरी में सब दिया है तो आर को दो रख लो, तो ये हो गया 600. ओके, 600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.1 इंटू 10 रेस टू 3, 600 को हम लोग प्लस, 600 को लिख सकते हैं 0.6, क्योंकि 10 से और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 10 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, 0.6 इंटू 10 रेस टू 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.7 के आसपास. वेट अ मिनट, हम लोग ने थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ने डेल्टा एन जी दो रखा ही नहीं इसमें. ओके, 2.1 किलो तो ले लिया, डेल्टा एन जी दो है, आर भी दो है, और टेम्परेचर आपका 300 है. ओके, इसको अगर हम लोग 10 से और 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.1 किलो कैलरी मतलब 10 रेस टू 3 प्लस ये 4 3 हो जाएगा 12, 12 बाई 10 हो जाएगा 1.2 इंटू 10 रेस टू 3, अभी ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, 3.3 किलो कैलरी हो जाएगा ये, तो डेल्टा एच आ गया 3.3 किलो कैलरी, तो इसमें हमें डेल्टा जी निकालना है, तो 3.3 किलो कैलरी माइनस टेम्परेचर इज 300 केल्विन, और स्पॉन्टेनिटी कितना दिया आपका, डेल्टा एस इज गिवन इज 20 कैलरी. ओके, तो 3.3 इंटू 10 रेस टू 3 रखो इसको, माइनस इसमें से भी 30 पावर में ले लेते 6 इंटू 10 रेस टू 3, तो क्या हो जाएगा आपका, 6 माइनस 3.3 वुड बी ये 5 हो जाएगा, ये 0 के बाद 10 इज 7, 2.7, 2.7 इंटू 10 रेस टू 3 आ जाएगा यहाँ पे, 2.7 इंटू माइनस आ जाएगा क्या, प्लस आएगा यहाँ पे, आ जाना चाहिए, देखो इट शुड बी माइनस, तो माइनस आया, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, अच्छा था थोड़ा सा क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग, इन विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज डेल्टा एच इज पॉजिटिव, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज डिक्रीज शार्पली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. सबसे पहली बात तो हम लोग को देखना है डेल्टा एच पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे पहले, अगर पहले कंडीशन से ये आंसर आ रहा है तो उससे ही अच्छी बात है ना, दूसरा कंडीशन हम लोग बाद में देख लेंगे. ओके, क्या हो जाएगा इसमें, देखो हमें बोला है कि डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव, देखते हैं यहाँ पे, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से एक मोल ऑफ सीओ, तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव है. यहाँ पे क्या बोला है, सीओ गैस, ये दोनों गैस से एक गैस बन रहा है तो पॉजिटिव नहीं है, सॉलिड हाफ गैस से सॉलिड बन रहा है तो ये भी पॉजिटिव नहीं है, हाफ ग्रेफाइट हाफ मोल से हाफ मोल बन रहा है तो ये जीरो हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है क्या मुझे, डेल्टा एस पॉजिटिव वाला, तो डायरेक्टली यही हो जाएगा. ओके, फॉर वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, व्हेन द गिब्स एनर्जी टेम्परेचर एट विच द गिब्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम पे आ गया है, खाली क्वेश्चन का मतलब समझ, मतलब वर्डिंग बदल दिया लगने, द टेम्परेचर व्हेन गिब्स एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी जीरो, मतलब एट वॉट टेम्परेचर इट वुड बी एट इक्विलिब्रियम, सेम हम लोगों ने किया था पिछले वीडियोज में या इसी वीडियो में शायद किया था, इट इज टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस आ जाएगा, वाया पूरा हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा वापस, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये जीरो हो जाएगा, ये यहाँ पे आकर ऐसा इक्वेशन बन जाएगा. डेल्टा एच कितना दिया है, 40.63 इंटू किलो जूल मतलब 1000, डेल्टा एस इज 108.8. ओके, ये आप क्या कर सकते हो, इसको केल्विन में चाहिए तो ये 10 से 4063 आ जाएगा, यहाँ पे 10 रेस्ट 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1088 आ जाएगा, तो ये 1000 है, ये 4000 है और 10 रेस्ट 2 भी मुझे दिख रहा है, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 4000 तो नहीं जाएगा, 3000 कुछ तो जाएगा, 3000 कुछ तो जाएगा, 4000 नहीं जाएगा, 3000 जाएगा, तो 3 इंटू 100 मतलब 300 के आसपास का रेंज हो जाएगा इस केस में, तो 300 वाला मुझे दो ऑप्शन दिख रहा है, अभी 73 होगा कि 93 होगा वो कैसे पता लगाना है. ओके, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, देखो 1080 को हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 या जाएगा 2 या जाएगा 3240 आ जा रहा है, 1088 है ना, सॉरी 1088 है यहाँ पे,
1088 इंटू 3 करेंगे तो 24 24 26, 2 3 2 6 4 आ जा रहा है यहाँ पे। 3264 और 4063 में बहुत ज़्यादा गैप है क्या? नहीं, ठीक ठाक गैप है, बट करके देखना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1080 डिवाइडेड बाई 4063 वुड बी 3 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा 3264, 13 13 में से ये गया 9, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये 15 15 में से 6 गया आपका 9 बचेगा, 9 में से 2 गया आपका 7 बचेगा 0, और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये किससे जाएगा, 7 जाए अप्रॉक्सीमेटली जाएगा क्या? तो वैसे करके आपको आ जाएगा 3.77। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। लिस्ट वन इक्वेशंस एंड लिस्ट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स को मैच करना है। ओके, देखते हैं क्या दिया है। के पी इज ग्रेटर देन क्यू, डेल्टा एन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन क्यू से छोटा है, के पी इज इक्वल टू क्यू एंड टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ओके, तो क्या देखना है हमें, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इक्विलिब्रियम, स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस। देखो के पी क्या होता है आपका, के पी इज मतलब रिएक्शन कॉन्स्टेंट है ना ये, ओके, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है के पी, तो इट इज फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड। अगर के पी बड़ा है, और ये क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट होता है, रिएक्शन कोशेंट होता है ये, ओके, तो नाउ के एफ, ये अगर बड़ा है के पी, तो के एफ बड़ा है तो के एफ इज ग्रेटर देन के पी। ओके, के एफ इज ग्रेटर देन के पी, के एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का कॉन्स्टेंट ज़्यादा है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का ज़्यादा है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ओके, इट इज स्पॉन्टेनियस, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाए। तो हमें दिख रहा है स्पॉन्टेनियस और एंडोथर्मिक, बट हम इस केस में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कुछ बोल नहीं सकते, तो फर्स्ट का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 1 का 4 मुझे एक ही में दिख रहा है, ओके, फिर भी चल, तो चलो के पी इज इक्वल टू के, मतलब रिएक्शन कॉन्स्टेंट एट इक्विलिब्रियम और रिएक्शन कोशेंट इक्वल है, तो दोनों ही इक्वल है तो इक्विलिब्रियम पे आ गया क्या? हम बोलते हैं ना के पी अगर इससे बड़ा है तो रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड है, ओके, ये सब हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, ओके, फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी मतलब नीट के पेपर में तो मिक्स्ड क्वेश्चंस ही आना है ना, इसीलिए। और के पी और रिएक्शन कॉन्स्टेंट और के इक्विलिब्रियम अगर सेम हो गया तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रिएक्शन कॉन्स्टेंट और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 का 2 ऑप्शन नंबर 2 है, तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। फिर देखो यहाँ पे ये दिया है डेल्टा एच इज लेस दैन टी डेल्टा एस, ओके, टी डेल्टा एस से लेस है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा है, ये बड़ा है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो है, ओके, अभी हम लोग ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था कि डेल्टा टी एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच फॉर बीइंग स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा, ओके, क्योंकि हमें डेल्टा जी तो नेगेटिव चाहिए ही, डेल्टा जी तो नेगेटिव चाहिए ही, यहाँ पे देखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि ये वाला टर्म बड़ा है तो ओवरऑल ये तो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव रहेगा क्या, पॉजिटिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट स्पॉन्टेनियस वाला एक ही हमें ऑप्शन दिख रहा है, स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं, तो 4th का आ जाएगा 3rd, जो कि मुझे 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो बेसिकली डी वुड बी द आंसर, ओके, डी आ जाएगा आपका आंसर। इस केस में देखो डेल्टा जी नॉट इज लेस देन आर टी एल एन क्यू, नाउ डेल्टा जी नॉट मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोला गया, मतलब आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आर टी एल एन क्यू, तो आर टी एल एन से आर टी एल एन क्या था, मतलब के पी इज लेस देन के क्यू, मतलब ये अगर कम हो गया, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत लेस है के क्यू से, इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगेन देखो आप अगर इसका ईयर देखोगे, इट इज़ 2010 मेंस का पेपर है, बहुत ही पिछड़ा हुआ पेपर है, फिर भी अच्छा टॉपिक है, बट इट्स बहुत पुराना, ओके, तो टेंशन मत लो अगर नहीं आया तो, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, अगर आपने सीख भी लिया इस क्वेश्चन से तो ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन इज 170 दिस, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट विच टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमने अभी बोला टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, कितना है आपका 170 किलो जूल अपॉन इसका कितना दिया 170, इससे ये कैंसिल, तो टी शुड बी ग्रेटर देन 1000 केल्विन, तो 1000 केल्विन से ज़्यादा वाला एक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर क्या, यस, द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इज दिस एंड दिस, द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए इक्वल आना चाहिए, ओके, तो डेल्टा एच कितना है आपका 30 किलो जूल
एंड डेल्टा एस इज 105. ओके, अगर 5 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 21, 5 से डिवाइड करेंगे 6, तो 6 बाई 21 आ जाएगा, तो 3 टू ज़ा 3 सेवन ज़ा 2 बाई 7 इंटू 10 रेज टू, तो मतलब 1000 ले लें अप्रोक्सीमेटली. ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 20 अगर ले लें यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली 3 जा जाएगा, 3 से थोड़ा कम जा जाएगा. ओके, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 100 करेंगे तो 3 के थोड़ा कम है ना, मतलब 7 3 21 आना चाहिए था, बट 3 से जस्ट पीछे वाला नंबर है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप आंसर से 4th टिक करके आ सकते हैं और वही करेक्ट आएगा. क्यों? क्योंकि ऐसे अप्रॉक्सीमेशन करने आने चाहिए आपको. ओके, कैसे किया मैंने, ये 2 पॉइंट की 7 टू ज़ा 14 होगा, 2 पॉइंट कुछ तो आएगा, इंटू 100 करोगे तो वैसे ही आने वाला है. ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर. ओके, इफ़ डेल्टा एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो द सिस्टम इज अटेंड इक्विलिब्रियम. ओके, डेल्टा एनर्जी जीरो है तो इट्स मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर इट इज़ लेस द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. अगर ये लेस है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. अगर ये पॉजिटिव है इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस. तो तीनों रिएक्शन, तीनों ही इक्वेशन गलत है. तीनों स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. द रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ डेल्टा टी डेल्टा एस इज लेस देन ये. देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, बराबर. अगर ये वाला टर्म छोटा हो गया और ये टर्म बड़ा है, बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये बड़ा पॉजिटिव है, तो बड़ा पॉजिटिव माइनस टी छोटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आने वाला है तो स्पॉन्टेनियस होगा क्या? नहीं. तो डेल्टा जी इस केस में पॉजिटिव आ रहा है. टी डेल्टा एस आपका बड़ा है तो ये वाला टर्म अभी बड़ा हो गया. ओके, फिर डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो छोटे पॉजिटिव से ये पूरा नेगेटिव हटाएंगे तो हो जाएगा क्या पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा क्या? यस, तो ये पॉसिबल हो सकता है अभी के लिए, देखते हैं. पर डेल्टा एच, डेल्टा एस तो बड़ा है ही, डेल्टा एस आपका बड़ा है, बट फिर क्या हो गया, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. ओके ओके, वेट हाँ, ये पॉजिटिव, ये डेल्टा एस अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी नहीं होगा. इस केस में दोनों ही पॉजिटिव है. ओके, ये छोटा पॉजिटिव है, नेगेटिव ऑफ बड़ा पॉजिटिव, तो बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नेगेटिव हो जाएगा, तो बड़ा नेगेटिव आ गया, तो बड़ा नेगेटिव मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाना चाहिए. दोनों ही इक्वल है तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे. ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सर्टन टू रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन होता है? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक. कोई भी एंडोथर्मिक स्पॉन्टेनियस होगा नहीं. क्यों? क्योंकि देखो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप काम करते हैं. एंडोथर्मिक आर द रिएक्शन विच वी हैव टू गिव द एनर्जी, तो इसमें तो होगा ही नहीं. फिर एक्सोथर्मिक इंक्रीजिंग डिसऑर्डर डिक्रीजिंग डिसऑर्डर, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, क्योंकि डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनिटी. ओके, स्पॉन्टेनिटी मतलब डेल्टा जी आपका दो फैक्टर्स को लेकर चल रहा है, डेल्टा एच एंथैल्पी और आपका डेल्टा एस. एंट्रोपी बढ़ना ही चाहिए ना ऑब्वियसली. ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ द प्रोसेसेस. एंथैल्पी इतने टेम्परेचर पे ये दिया है. द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एट द सेम टेम्परेचर इज, तो देखते हैं डेल्टा एच कितना दिया. एंथैल्पी -382.64 किलो जूल, माइनस टी कितना दिया है 300 केल्विन ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और ये दिया है इनटू 145.6. तो हम क्या करते हैं ना, 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, तो ये 3 जीरो जाएंगे 10^3 में, तो प्लस माइनस में आसानी होगी. 382 माइनस 64 इंटू 10^3 माइनस, तो क्या हो जाएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो 145.6 इंटू 3 करो तो 18, ये हो जाएगा 15 1 16, 12 1 13, 3 1 3 4, तो हो जाएगा 43.68. ये 10 को भी मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे, 10^3 दोनों ही माइनस में, तो ऐड हो जाएंगे क्या, -382.64 और 43.68 दोनों ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 12 12 12 13, ये हो जाएगा 5 6 12 13 4, तो जाएगा 436.32 के आसपास आ जाएगा. 436 मतलब, क्योंकि हम लोग ने अप्रोक्सीमेशन किया तो 439 आ सकता है. ओके, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्टली सी वुड बी द करेक्ट आंसर. वेट अ मिनट, क्योंकि हम लोग ने कुछ
ये 298 से ज़्यादा वाले कंज्यूम किया था, अज्यूम किया था, तो यहाँ पे तो ऐड हो रहा है ना, तो हमारा आंसर, हमारा जो आंसर मिला है, हमें जो आंसर मिला है अप्रोक्सीमेशन से, एक्चुअल आंसर शुड बी लेस, एक्चुअल आंसर लेस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने वैल्यू थोड़ा ज़्यादा अज्यूम किया, 300 अज्यूम किया ना, 300 केल्विन। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला नहीं आएगा, इससे थोड़ा छोटा वाला, इससे थोड़ा छोटा वाला कौन सा है, 436 से थोड़ा छोटा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 300 वाला है। ओके, कंसिडर द एंट्रोपी ऑफ अ थर्मोडाइनमिक पैरामीटर, द क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन इज, सिस्टम और सराउंडिंग का दोनों का मिला के एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव। ओके, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का मिला के पॉजिटिव होना चाहिए। द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट डायमंड एट दिस दिस रिस्पेक्टिवली, इफ द स्टैंडर्ड एंट्रोपी इज इक्वल टू इज द प्रेशर एट विच ग्रेफाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डायमंड। ये वाला क्वेश्चन आप ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं, बहुत ही पूछा, मतलब बहुत ही पिछला पिछड़ा हुआ क्वेश्चन एकदम, ये अभी पूछा नहीं जाता, मतलब एट विच प्रेशर इट इज कंट्रोल, अभी सिर्फ इक्विलिब्रियम पे बेसिक बेसिक सवाल आते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, द फैक्टर डेल्टा जी वैल्यू इज इंपॉर्टेंट इन मेटलर्जी, डेल्टा जी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट 800 डिग्री सेल्सियस इज गिवन एज दिस मच, द डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस 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 इज, डेल्टा जी आप डायरेक्टली आपका डेल्टा एच जैसा है, डेल्टा एच जैसा है उसके जैसा ऐड कर सकते हो, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, इंटेंसिव नहीं, एक्सटेंसिव है, डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, हमें जेड एन एस इधर चाहिए तो इसको उल्टा कर लो, तो इसको मैं उल्टा करूँ, 2 है और मुझे 2 चाहिए ही, तो उसको डायरेक्टली उल्टा करेंगे तो 293 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 302 जेड एन ओ इस साइड चाहिए, 2 ZnO, हाँ इधर ही रहने दो, एस ओ 2 भी इसको इधर ही रहने दो, क्योंकि मैंने इसको अगर उल्टा किया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही आंसर आ जाना चाहिए, तो 554 माइनस 480, मतलब 412 या 9 और 10, मतलब 1024 माइनस 293, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 300 जाएगा तो 700 के आसपास वाला आंसर आ जाना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आप करके भी देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका आंसर, तो इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आप डायरेक्टली एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग द ऑटोमोबाइल, ओके, द साइन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी एस। ओके, देखते हैं, दो गैस मॉलिक्यूल्स और ये 25 गैस मॉलिक्यूल्स, 16 गैस, 18 गैस, देखते डेल्टा एन जी निकालते थे, डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा तो मतलब गैशियस मोल्स बढ़ रहे हैं तो डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाएगा, तो डेल्टा एस के बेसिस पे भी हम लोग निकाल सकते हैं आंसर, देखते हैं, तो हो जाएगा 18 प्लस 16 18 34 माइनस, ये हो जाएगा 27, तो ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, तो डेल्टा एस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 1 तो चला गया। ओके, फिर आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा जी रिएक्शन जा रहा है, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव है, नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर सी भी चला गया यहाँ पे। अभी क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी कंबशन हो रहा है, कंबशन होने में एनर्जी निकलता है क्या, तो डेल्टा एच शुड भी नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अ केमिकल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ इट इज अकंपेनीड बाय अ डिक्रीज ऑफ सिस्टम ऑफ, स्पॉन्टेनियस तब होगा जब डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी डिक्रीज होगा तो होगा क्या, नहीं, एंट्रोपी इंक्रीज होना चाहिए, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देयर शुड बी अ डिक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगेन अ वेरी प्रिमिटिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स से पी वाई क्यूज खत्म होते हैं। ओके,